गाइस इस वीडियो में बात करने वाले WWE अपडेट्स के बारे में। गाइस टाइटल यूनिफिकेशन मैच तो होने वाला है, जैसे मैं 38 में लेंगे जो टाइटल है वो शायद पहले निकल के आ चुके हैं। यूनिफाइड टाइटल का जो फोटो एक मिली है, अब कहां हद तक वो सही है या फिर कहां तक वो गलत है उसके बारे में बात करने वाले। AJ स्टाइल आज रॉ पे क्यों नहीं थे और कौन से रॉ पे आपको देखने को मिलने वाले वही आपको बता दूंगा। कल के NXT के शो के बारे में बात करने वाले क्योंकि वहाँ पे आने वाले द मिज द वन एंड ओनली मिस। तो कहते सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लो, बिना स्किप किए। अगर आपने स्किप किया तो कहते बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगला मैं चैनल पे नया आया हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देता हूँ, शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको WWE रिलेटेड न्यूज आप देखने को मिलती रहती है। चले आज के माल करो को स्टार्ट करते हैं। वैसे बातों को शुरू कर लेंगे AJ स्टाइल के साथ। तो AJ स्टाइल का सीन कुछ ऐसा है कि दो हफ्ते से उनको इंजरी दिखा, शायद वो घर गए होंगे इसलिए उनको नहीं आया। लेकिन अगले रॉ के लिए जो है WWE ने AJ स्टाइल को कन्फर्म कर दिया, इसका पोस्टर आप देख पा रहे हो। यार AJ स्टाइल जो है कन्फर्म हो चुके हैं, वो आ जाएंगे अगले रॉ पे। और भाई और फिर एज गया भाई, एज की हालत ख़राब होने वाली है, बाकी वो रॉ में पता चलेगा AJ स्टाइल आगे क्या करते हैं। कैसे बात कर लेते हैं कल होने वाले NXT के शो के बारे में। तो कैसे कल के लिए जो है मिस टीवी का एक स्पेशल सेगमेंट अनाउंस है जिसपे आपको है ना डॉल्फ ज़िगलर और रॉबर्ट रूड जो है दोनों देखने मिलेंगे, क्योंकि डॉल्फ ज़िगलर इज़ न्यू NXT चैंपियन। तो एक स्पेशल शो होने वाला है। अब NXT तो मैं देखता नहीं हूँ लेकिन शायद ये शो जरूर देख लूँगा। भाई अगर आप देखोगे या नहीं कमेंट से जरूर बता देंगे। अगर बात कर रहे थे न्यू टाइटल यूनिफिकेशन के बारे में, तो पॉसिबली जो है या टाइटल यूनिफाइड जो है रिवील हो चुकी है, जिसका फोटो आपने उसमें देख पाएंगे। अगर WWE जो है कुछ फिल्म कर दी है, शूटिंग कर दी है एक्सटर्नल में, तो वहाँ से ये फोटो निकल के आई है। मुझे तो लग रहा है कि पॉसिबली यही जो है न्यू जो यूनिफाइड टाइटल होने वाली। भाई अगर आपके थॉट्स उस पर कमेंट्स जरूर बता देना। इस वीडियो के लिए अपडेट्स, मैं जल्दी मिलता हूँ किसी नए साथ। टेक केयर।